भाई लोग मैं क्या बताऊं, यहाँ हिचाइकिंग करना काफ़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो लोग समझते हैं कश्मीरी लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे ऐसा फील नहीं हो रहा। काफ़ी शक के नज़रिए से देख रहे हैं यहाँ तो, पर कोई आगे बढ़ नहीं रहा लिफ्ट वगैरह देने के लिए या कोई भी मदद के लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। क्या देखें, अभी हम लोग हैं श्रीनगर डल लेक के पास वाले पार्क में, जहां हमने टेंट लगा रखी है। ये देख सकते हैं हमारे पीछे, और यहां काफी अच्छी नींद आई। और ये हमारा टेंट है, और ये भाई साहब वाले जो है ना, हरियाणा वाले योगेश भाई साहब, कल डर रहे थे कि गोला गिर जाएगा, बांधूत गिर जाएगा, लेकिन मैं बिंदास था, मैं नहीं डर रहा था। तो बोला कि जो होगा सेफ रखा जाएगा। काफी अच्छी पार्क है, आप देख सकते हैं पीछे। बट क्या है, थोड़ा सा वो कोहरा वगैरह गिर रहा है, वो अपने कुआं निकल गए, आप उधर देख सकते हैं। और ये पीछे हमारे हाउस बोट वगैरह है, हाउस बोट यही डल लेक है आगे, उसके बाद ये डलने का ही वो पोर्शन है। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा रात, और अब हम निकलेंगे जम्मू की तरफ ये सब समेट कर। चलिए चलते हैं, मिलते हैं जम्मू में। तो दोस्तों, दिन की पहले लिफ्ट कश्मीर की तरफ अराउंड 6 किलोमीटर सब्जी वाले ट्रक में मिली है। ये पीछे सब्जी अब आ रहे हैं, देख सकते हैं हमारे ये धनिया पुदीना बीन्स आलू सारे। तो चलते हैं 6 किलोमीटर फिर आगे कोशिश करेंगे। क्या मजा है भाई साहब, ऐसा लग गया ऐसा बैठा हो गया। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6, और हम लोग श्रीनगर से अराउंड 7 बजे निकले थे, और वहाँ से हमें 1-2 लिफ्ट मिली थी अराउंड 7-8 किलोमीटर की। उसके बाद हम लगातार पैदल ही चल रहे हैं, और हम चलते चलते अराउंड 25 किलोमीटर आ गए हैं, 25-28 किलोमीटर। और अभी हम हैं काजीगुंड के पास। यह भाई लोग मैं क्या बताऊं, यहाँ हिचाइकिंग करना काफ़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो लोग समझते हैं कश्मीरी लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे ऐसा फील नहीं हो रहा। काफ़ी शक के नज़रिए से देख रहे हैं यहाँ तो, पर कोई आगे बढ़ नहीं रहा लिफ्ट वगैरह देने के लिए या कोई भी मदद के लिए। तो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा, और हम लगता है कि हम लोग जम्मू तक पैदल ही जाएंगे। बस आर्मी वाले ही हमारी कुछ मदद कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और भाई साहब, हम लोग सुबह में रोड पे हिचाइक कर रहे थे, तो वहाँ के कुछ लोकल बंदे हम लोग के साथ आर्गुमेंट कर रहे थे, कुछ मतलब अनबिहेवियर, कुछ गलत बिहेवियर कर रहे थे हम लोग के साथ, तो गाली वगैरह बक रहे थे हम लोग को देखकर। पता नहीं क्यों वो जबरदस्ती कर रहे थे कि तुम लोग गाड़ी में आ जाओ, पैसे दो ऐसा, लेकिन हम लोग तो हिचाइक करके कर रहे हैं। हमने बताया भी उनको कि मतलब हम लोग लिफ्ट मांग करके पूरी इंडिया कवर कर रहे हैं, भारत यात्रा कर रहे हैं। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम लोग हम लोग चूतिया बनाते हो, ऐसा कुछ गंदे वर्ड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता। तो यही सारे एक्सपीरियंस है, और हमने ठाना है कि हम लोग जम्मू तक पैदल ही जाएंगे, हम लोग इधर किसी से हेल्प नहीं लेंगे। एक बात बताओ यार, हम पैदल चल रहे हैं, हम चलो लिफ्ट नहीं दे रहे कोई बात नहीं, बट यार हमने क्या मतलब ऐसा क्या कर दिया जो आप कह रहे हो क्या बनाते हो कश्मीर को, ये करते हो यार वो यार, हम तो यार टूरिस्ट है ना, हम यहाँ पे लड़ने वड़ने नहीं आए यार, हम घूमने आए हैं। आप ऐसे टनल है वहाँ पे, हम लोग आज की कैंपिंग वगैरह करेंगे।
रहा इधर टनल के पास हमारी कुछ इंडियन आर्मी वगैरह है पीछे क्या बोलते हैं सीआरपीएफ वाले बोल रहे थे कि आगे हम लोग कैंप के पास आप लोग कैंपिंग कर लेना सुरक्षित रहोगे तो हम लोग वहीं जा रहे हैं आज की रात हमारी वही होगी भाई साहब तो चलिए कल सुबह मिलते हैं फिर रोड पे चलते चलते क्योंकि ठान लिया भाई साहब यहाँ से जम्मू अराउंड 190 किलोमीटर है और चाहे कितना भी दिन लग जाए हम लोग पैदल ही कवर करेंगे बाकी बीच में जो होगा देखेंगे लेकिन हमने तो यही ठाना है चलिए ठीक है ओके बाय बाय फाइनली दोस्तों काफ़ी मशक्कत और काफ़ी मुश्किलों के बाद मैं पहुंच गया हूं जम्मू में श्रीनगर से जम्मू तक आने में काफ़ी दिक्कतें और मशक्कतें हुई थी बीच में ट्रैकिंग करना काफ़ी मुश्किल हम लोग के लिए साबित हो रहा था और हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन फिर भी हम लोगों को कोशिश जो है नाकामयाब रहा तो हमको फाइनली किराया लगाना पड़ा बस से आना पड़ा जम्मू के लिए क्योंकि वहाँ अगर हम ऐसे रुकते तो फिर हमारा डे एंड हो जाता तो इस वजह से हमारा मनोबल भी जो हमारा मोटिवेशन था वो पूरे का पूरा डाउन हो चुका था तो हमने फाइनली किराया लगा करके अराउंड पर पर्सन 100 रुपीज लगा करके तो हम लोग यहाँ जम्मू तक आए अभी हम जम्मू के मार्केट में हैं और जा रहे हैं गुरुद्वारा आज का स्टे वहीं होगा क्योंकि हमारे पास जितने भी पैसे थे वो करीब करीब ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा सो देखते हैं क्या होता है गुरुद्वारे में इधर इधर ही है ना सो फाइनली दोस्तों मैं हूँ अभी गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा जम्मू में ये गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत काफ़ी सुंदर गुरुद्वारा है एक्चुअली जब हम लोग श्रीनगर से जम्मू आए तो कैंपिंग करने के लिए जगह खोज ही रहे थे तो एक भाई ने बताया कि पास में ही गुरुद्वारा है आप वहां जा कर के देख सकते हैं तो हमने यहाँ पे आया पूछा तो यहाँ पे हमारी काफ़ी हेल्प हुई यहाँ पे जो है हमने एक भैया से पता की कि मतलब यहाँ हमें रुकने के लिए जगह मिल सकती है तो बोले कि ठीक है वो उन्होंने पहले पूछा कि आप लोग एक्चुअली अभी आ कहाँ से रहे हैं कहाँ जाएंगे तो हमने बताया कि अभी श्रीनगर से आ रहे हैं और अभी फिर कल के लिए कल मैं पंजाब के लिए निकल जाऊँगा तो बोले कोई बात नहीं है अभी प्रसाद वगैरह ग्रहण करिए उसके बाद मैं रहने की व्यवस्था कराता हूँ तो हमने प्रसाद वगैरह की प्रसाद काफ़ी स्वादिष्ट थी अब मैं बता नहीं सकता प्रसाद काफ़ी स्वादिष्ट थी और प्रसाद करने के बाद उन्होंने हमें सोने के लिए जगह दे दी तो हम लोग आज वहीं सोएंगे ठीक है फिर सुबह के लिए सुबह पंजाब के लिए ठीक है काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा है और पीछे तो पूछना नहीं है ऐसा लग रहा था कि मानो हम लोग मतलब किस दुनिया में पता है अलग कुछ अलग दुनिया ही लग रहा था वहाँ तो अब यहाँ आकर के कुछ अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अपनापन जैसा महसूस हो रहा है तो फिर चलते हैं बाय बाय गुड नाइट
बाकी आप देख सकते हैं काफी मैं दिखाऊंगा, आप दिखाना चाहूंगा, काफी खूबसूरत गुरुद्वारा है ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं काफी खूबसूरत है। तो चलते हैं, गुड नाइट आप सभी को, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय।